इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर का अभ्यास करने वाले हैं सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि डिवाइड एंड कांकर जो कॉन्सेप्ट है ये तीन स्टेजेस पे ऑपरेट करता है डिवाइड सॉल्व एंड कंबाइन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहले स्टेज का मतलब क्या होता है बेसिकली पहले स्टेज के अंदर हम करते क्या है देखो जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है पहले स्टेज के अंदर उस प्रॉब्लम को हम अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं रिकर्जिवली अब यहाँ पर रिकर्जिवली ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में रिकर्जिवली का मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है उस प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं बट ये जो प्रोसेस है ये बस एक बार नहीं होता ये बार बार होता है एक प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे फिर उन सब प्रॉब्लम्स को और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाएगा फिर उन सब प्रॉब्लम्स को और आगे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाएगा ऐसा कब तक ऐसा तब तक जब तक हम एक ऐसे सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते जहां की सब प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल इन दर स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म वो और आगे डिवाइड नहीं हो सकते ठीक है जब हम ऐसे पोजीशन पे या ऐसे सिचुएशन में पहुंचेंगे तभी ही हम रुकेंगे और तभी उन स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स को हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है विच इज कॉल्ड एज डिवाइड डिवाइड फर्स्ट स्टेज का नाम है वीयर ऑफ़ लाइक राइट अब जब हमें ऐसे सारे के सारे सब प्रॉब्लम्स मिल चुके हैं विच आर इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म तब हम सेकेंड स्टेज में एंटर करेंगे विच इज कॉल्ड एज सॉल्व सेकेंड स्टेज का नाम है सॉल्व, राइट right? तो अभी सॉल्व इस स्टेज के अंदर हम क्या करते करेंगे सॉल्व इस स्टेज के अंदर जो जो सब प्रॉब्लम्स है विच आर इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म उन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे राइट right? देखो हमारे पास मेन प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास अलग अलग स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स है इसीलिए उन स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम दोज आर जस्ट स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स इसीलिए उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान बन जाता है राइट right? और यही क्रस्ट है इस कॉन्सेप्ट का एक प्रॉब्लम को अलग अलग सब 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 प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो फिर सॉल्व करना आसान बन जाता है फिर उनको सॉल्व करो ठीक है तो बेसिकली यहां तक हम स्टेज नंबर टू पे पहुंच चुके हैं अब जब हमारा उन सारे के सारे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो जाता है तो हम स्टेज नंबर थ्री के अंदर जम्प करते हैं अब स्टेज नंबर थ्री के अंदर क्या होता है देखो अगर हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है तो उनके उनके सोल्यूशन होंगे ना यार हमारे पास तो सॉल्यूशंस को स्टेज नंबर थ्री के अंदर हम कंबाइन करते हैं देखो ये सॉल्यूशंस कंबाइन हो रहे हैं ये सॉल्यूशंस कंबाइन हो रहे हैं और ये भी प्रोसेस रिकर्सिवली होगा मतलब बस एक बार नहीं कंबाइन होंगे ऐसा बार बार होगा तब तक जब तक हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक के okay? यहां पे ये दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस कंबाइन हुए इंटू दिस यहां पे ये दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस कंबाइन हुए दिस देन ये दो सोल्यूशंस कंबाइन हुए और फिर हमें एक सल्यूशन मिला और ये जो सल्यूशन है ये हमारे मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा और डिवाइड एंड कॉन्कर ये ऐसे ऑपरेट करता है तीन स्टेजेस में ठीक है अब वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट डिवाइड एंड कॉन्कर के तीन से चार मेजर एप्लीकेशंस है बाइनरी सर्च क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट मिन मैक्स प्रॉब्लम मेजर एप्लीकेशंस अब एप्लीकेशंस काम क्या करता है उसका टेंशन लो एक एक एप्लीकेशन के ऊपर एक एक लेक्चर बनने वाला है और अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा प्ले है इसके अंदर इस सब्जेक्ट के सारे सारे लेक्चर्स हमने अवेलेबल करा दिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बिकॉज यू आर स्पेशल थैंक सो मच